मैं तो बहुत खुश हूँ आज इनको इस अटायर में देख के. तो मेरी तो विश यही थी कि इनकी शादी भी हो, शोज तो होते रहते हैं, बट पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सेटल होना ज़रूरी है. तो आप लोग ने बहुत अच्छा थीम सिलेक्ट किया है वेडिंग का. और नहीं, ऑब्वियसली एक्टर हैं, हर एक्टर की इच्छा होती है कि वो अच्छा रोल करे हर साल. तो जैमी की भी यही इच्छा है कि जो अब तक इन्होंने काम किया, इनफैक्ट मैंने सुबह आज यही बोली थी कि मुझे इसके शो मर्यादा की याद आ रही थी, जो इसका वन ऑफ अ बेस्ट शोज दैट वाज. सो मुझे लगता है कि मेरे को आज ऐसा फ्लैशबैक्स आया सुबह इसके बर्थडे पे. तो इंशाल्लाह ये शुद्ध कुछ अच्छा करने वाली है बहुत जल्द. ये आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रही है और किस तरह से मिले थे आज के स्पेशल डे पे, अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? कैसे मेमोरीज आपको? एक्चुअली हम मिले थे मेरे क्रिकेट की टीम, अगर आपने सुना है बॉक्स क्रिकेट लीग, कोलकाता बाबू मुशाय. तो हमारे कॉमन एक बहुत अच्छे दोस्त है अभिषेक रावत, जो अगले जन्म मोहे बिटिया हीरो के हीरो थे. तो वो मुझे बोल के लाए थे कि यार एक लड़की है जामी, बहुत ही अच्छा खेलती है. मैंने कहा चल ले यार, लड़कियाँ हमारी वैसे ही कम है. तो ये आई पहले दिन ही और इन्होंने तो मतलब छकाछक लगा रही थी, और सारे लड़के मेरे पीछे पड़ गए यार इसको लेकर आओ, बिकॉज सबको जीतना था टीम में. कह रहे इसको रख लो, मतलब उसी दिन हमने इसको हायर किया. नेक्स्ट डे हम इसको ट्रायल फोटोशूट सब करा लिया कि भाग ना जाए हमारी टीम से नेक्स्ट डे. तो इस तरह से हम लोग की मुलाकात हुई. और पहले दिन ही हम लोग ऐसे, मतलब मेरे साथ एक्चुअली बहुत नॉर्मल है, मैं इतनी कोई बड़ी वो नहीं हूँ कि मेरे साथ बहुत जल्दी मिक्स अराउंड कर जाते हैं लोग. तो उसी तरह से शुरुआत हुई, और उसके बाद आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक, वी जस्ट बीन टुगेदर सिंस. अब जो ब्लॉग भी शुरू होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को आप बताओ. हाँ, ब्लॉग शुरू करने का मेरा ये था कि यूजली क्या होता है कि एक्टर्स आप लोग के जो मीडियम हैं, जो आप लोग कवर करते हैं, जो आप लोग के शोज़ हैं टेलीविजन एक्टर्स को लेके, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज आप लोगों को इतने एक्टर्स को कवर करना होता है. तो मेरा ये मानना था कि डिजिटल अभी इज़ द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ, बिकॉज एवरीवन इज़ ऑन देयर पाम्स. अगर आप देखेंगे, कोई अभी आजकल घर नहीं भागता ये टीवी शो देखने या कुछ देखने, सब अपने मोबाइल पर ही देख लेते हैं. तो मेरे को ये लगता है कि कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं. लाइव और ये सब तो कभी कभार हो पाता है, बट अपनी चीज़ें वो किस तरह से तैयार होते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें, जो नॉर्मल थिंग्स विद द एक्टर्स डू, यू नो, नॉट द अबनॉर्मल थिंग्स विच द न्यूज़ कवर्स. तो उसको रख के मैंने ये सोचा था कि एक्टर्स डेली लाइफ में क्या करते हैं, और जो चीज़ें इंटरेस्टिंग है, यू नो, कि चाहे वो कपड़े कैसे पहन रहे, कितने के कपड़े पहन रहे. नॉर्मल लोग को बहुत वो रहता है, स्पेशली छोटे शहरों में. तो उस चीज़ को रख के मैंने, मेरे को लगा कि जैमी अपनी दोस्त है और हम लोग का अपना चैनल है, उसको लेके अभी स्टार्ट विद हर, यू नो, विद दिस ब्लॉग वेयर पीपल लाइक टू नो हर बेटर. सो वाइल देयर डूइंग दर एक्टिंग का वर्क हो ना हो, ये एक रेगुलर एक सीरीज हम लोग करेंगे, जहाँ पे हम एक्टर्स के स्पेशली लाइक जैमी का ही था, तो जैमी क्या करती है, कैसे करती है, वेदर इट्स वॉट शी ईट्स, वॉट शी drinks and where she goes. So that was the whole idea and I think it's worked. People have taken to it. And blogging ka kya hota hai ki ye actually grow karta hai. It doesn't start immediately and aapko ek saath viewer mil jayenge, because hum organically isko grow karna cha rahe hain. Hum log nahi cha rahe ki paise deke log jo grow karte hain. To wo apna time lega, sweet time, but I think jo log they take to it, wo log grow karate hain agar unko kuch interesting lag jata hai. Koi ek cheez hoti hai jo click kar jati hai. To idea wahi hai ki koi ek cheez unko click kar jaye jiske bare mein wo janna chahte hain. बाकी तो जैमी ही बेस्ट होगी, वो बताएगी कि कैसे वो इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं और कैसे वो इसके प्रमोट करेंगी. जैमी इस ब्लॉग का जो आइडिया है, पहले तो इनका तुरंत मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये इनका ही आइडिया था, क्योंकि ये देखती थी कि मैं बहुत अपने वीडियोस डालती हूँ इंस्टा पे एंड ऑल दैट. तो एक दिन अचानक से इनका कॉल आया और कहते हैं जैमी ऐसा क्यों नहीं करती कि तेरा एक ब्लॉग ही बनाते हैं. तो आई वॉज लाइक ब्लॉग, वॉट इज़ दैट, लाइक आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट. एंड शी सेड कि हम ऐसा कुछ करते हैं. फिर बात यह आई कि विंध्यास ब्लॉग नाम रहेगा या क्या नाम रहेगा, एंड देन शी वाज लाइक कि नहीं, उसका नाम जो तेरा निकनेम है जैमी, जो मैं तुझे बुलाती हूँ, हम जैमीज़ ब्लॉग रखेंगे. तो आई थिंक ये एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ हुई, क्योंकि मेरे अंदर दोनों पर्सनैलिटी, एज एन एक्टर मेरे अंदर एक्चुअली बहुत सारी लेयर्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं, बट मेरा जो वो क्यूट पार्ट है और जैसी मैं रियल में हूँ, ऐसे तो हम बहुत किरदार निभाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, बहू बनते हैं, बेटी बनते हैं, बट देन माई रियल लाइफ अवतार इज़ यू नो इज़ देयर इन दैट जैमीज़ ब्लॉग. एंड हमने बहुत नेचुरल रखा है, हम बहुत नॉर्मल बात करते हैं. अगर हेयर कट की बात भी है तो हेयर कट के समय, मतलब एक एक्टर को, एक लड़की जो गई है हेयर कट कराने, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो क्या सोच रही है, एवरीथिंग इज़ जस्ट वेरी नॉर्मल. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जैमीज़ ब्लॉग, वेयर वी विल बी जस्ट शोइंग यू द रियल स्टफ, नो स्क्रिप्ट, नथिंग. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी अबाउट दैट ब्लॉग. एंड आई थिंक ब्लॉगिंग का ये होता है कि इट्स एक्चुअली नॉट, आई कॉन्ट रियली सेल इट एज माय आइडिया, बिकॉज वो एक टीम होती है, मेरी टीम है धर्मिष्ठा वगैरह, लोग आइडियाज लेकर आते हैं और मैं बस उसे टिक करती रहती हूँ, जो यूजुअली एक प्रोड्यूसर करता है. She emails us. अगर आपको लग रहा है कि सारे हम लोग क्रिएट करते हैं, तो हाँ मैं सोप्स क्रिएट करती हूँ, बट ब्लॉगिंग में मैं भी थोड़ी नई हूँ. तो जितने आइडियाज, जैसे आप लोग भी कोई आइडिया दे दे कि अरे ये भी एक अच्छा आइडिया कि कैमरा के सामने इन लोग कैसे फेस करते हैं, मेरा शायद नेक्स्ट सीन ये होएगा,
कि ऐसे फेक कैमराज लगा के ये फेक कैमराज लगा के देखती हूँ एक्टर कैसे रिएक्ट करता है. कैमरा ऑन होती है आपने देखा एक्टर कैसे बदल जाता है. हम देखो हम सारे लोग यही पीछे भी कैमरा की यही आगे भी यही. अच्छा निवेदिता इसके अलावा बिग बॉस के घर में भी बहुत सारे कैमरास लगे हैं और विकास भी है घर में, क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट अभी आजकल जो भी हमें मिलता है वो मेरे को विकास के बारे में पूछता है. एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस मैंने कभी देखा नहीं है. मेरे से बहुत लोग पूछते हैं सपोर्ट में अपने भाई के कुछ बोलिए, तो जहाँ तक मैंने सुना है मोटा मोटा, ऑब्वियसली बिग बॉस में जाओगे तो चीज़ें गंदी भी निकल के आती ही हैं, बट जैसा मैंने सुना है दूसरे लोगों से और जो मैं ट्विटर वगैरह पे फॉलो करती हूँ उससे मेरे को लग रहा है कि शायद वो ठीक खेल रहा है. मैंने तो ऐसा सुना है कि अगर वो और वो दो लड़कियाँ निकल जाए तो शायद शो में कोई है ही नहीं देखने वाला इंटरेस्टिंग, वो हिना और शिल्पा. तो आई थिंक बिग बॉस का कॉन्सेप्ट जैसा है उस हिसाब से वो अच्छा खेल रहा है, उस गेम को इंट्रीगिंग रख रहा है, लोग देख रहे हैं. मतलब अगर हर आदमी मेरे से पूछ रहा है कि बिग बॉस क्या है तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही हो रहा होगा. अच्छा या बुरा, आई थिंक इस शो में बुरा होना ज़्यादा अच्छा है. तो शायद बुरा हो रहा है जो अच्छा है शो के लिए और उसके लिए. और मैं तो यही चाहूँगी कि अभी वो गया है तो ऑब्वियसली जीत कर आए. अब वो कैसे खेल रहा है, क्या खेल रहा है, उसका क्या माइंड गेम है, जैसे कि मैंने कहा मैंने कभी शो फॉलो नहीं किया है, बट शो अच्छा कर रहा है, चैनल के लिए अच्छा कर रहा है, आई थिंक रेटिंग्स भी अच्छी आ रही हैं और उम्मीद है कि विकास को जीत के आए. मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन किसके क्या कर रहा है, बट आई थिंक वो शो में ऐसे ही होता है, उसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वो एक दूसरे के पर्सनल जो वॉरिंग वगैरह करते हैं उस हिसाब से है. तो शिल्पा और विकास जब घर में गए थे दुश्मन थे, लेकिन अभी दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, तो आपको लगता है कि घर से बाहर निकलने के बाद बहुत ही अच्छी दोस्ती होने वाली है? हाँ, आई थिंक मैंने जितने बिग बॉस के मेरे मोस्टली मेरे सारे एक्टर्स गए, श्वेता गई है, उर्वशी गई है, मतलब जितने एक्टर्स के साथ मैंने किया मोस्टली सब जीत के ही आए हैं. तो आई थिंक अंदर जो दुश्मनी होती है एक तरह से, अगर आप 90-100 दिन एक एक्टर या किसी भी इंसान के साथ रहोगे तो लड़ाई तो होगी, वो आपके घर की तरह है. आप अपने भाई के साथ लड़ते हो, फिर प्यार करते हो, फिर निकलते हो, सब ठीक हो जाता है. तो आई थिंक इसके बाद बाहर जब निकलते तो आई थिंक सब फ्रेंडली नोट पे ही रहते हैं, कोई ऐसा मैंने दुश्मन नहीं देखा है, चाहे वो किश्वर वाला सीजन रहा हो लास्ट वाला. तो आई थिंक अंदर रह के वो आप लोग के कंडीशन ऐसे कि खाना नहीं मिल रहा, शो में जो चल रहा है उस हिसाब से वहाँ पे वो लोग अच्छा गेम खेल रहे हैं, बट आई थिंक बाहर रह के कोई ऐसे नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को लुक्स दे रहे हैं कुटुंब की तरह की, अरे क्रॉस कर रहे हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है. आई थिंक सब कुछ बाहर ठीक ही रहेगा जब बाहर आएंगे. और अभी पद्मावती की भी बहुत कंट्रोवर्सी, ये देखिए पद्मावती, मैं तो घुसते ही इसको बोला ये पद्मावती का. यार मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बहुत सैड है ये जो करनी सेना ने जो करा है, ये पूरा प्रोटेस्ट अगेंस्ट पद्मावती. देखिए फिल्म और टेलीविजन सीरियल जब बनाया जाता है वो कहीं पे भी हम लोग डिस्क्लेमर इसलिए डालते हैं शुरू में कि पिक्चर या वो जो है वो एग्जैक्ट डिपिक्शन नहीं है रियलिटी और हिस्ट्री का. ऑफकोर्स हम इंस्पायर होते हैं तो लोग जो इतना पर्सनली ले रहे हैं, पिक्चर की एक रील नहीं निकली, एक मतलब कुछ उन्होंने देखा नहीं है और वो ऐसे बोल रहे कि ये पिक्चर में हुआ है वो है. मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ अगर आपके सेंसर बोर्ड ने पास कर दिए पिक्चर तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए लोगों को. एज एन एंटरटेनमेंट लोग देख कर आए, मुझे लगता है आधा मतलब आधे लोग हमें ये बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बनाया है, पब्लिसिटी के लिए किया है. पर जो भी ये है एक्टर्स को बोलना कि बिहेड कर देना, एक्टर्स जस्ट प्ले अ पार्ट इन द फिल्म, दे आर नॉट द रियल पीपल हु आर इन्वॉल्व, दे डोंट राइट द स्क्रिप्ट, दे वर नेवर मेड, मतलब उनके माइंड में कभी वो नहीं थे कि कॉन्सेप्ट स्टेज में ये हम रह के बनाएंगे, ये उनकी तरह लग रही है. तो बहुत चीज़ें जाती है, वो दीपिका वगैरह के लिए जो इतने मतलब स्नाइड रिमार्क्स आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं है फर्टर्निटी के लिए और फिल्म मेकर्स के लिए भी इंस्पायरिंग नहीं है. बिकॉज अगर आप कुछ भी आप सेंसेशनल उठाओगे, अगर ऐसे लोग उठ के मार काट में निकल आए तो हमें भी डर लगता है. हम भी, मैं तो सारे बायोपिक्स उठाना चाह रही हूँ अभी, दैट्स माई न्यू फंडा लाइक इन फ्यूचर, बिकॉज दंगल वंगल इतना अच्छा करे ना, एवरीथिंग कैन नॉट बी अ गुड साइड ऑफ द स्टोरी. सो आई थिंक दैट बैन शुड बी लिफ्टेड एंड द फिल्म शुड रिलीज. मेकर्स ने इतना पैसा डाला है, टाइम डाला है, एक्टर्स का इतना एनर्जी गया है, आई थिंक दुनिया को देखना चाहिए क्या पिक्चर और फिर डिसीजन लेना चाहिए. मैं समझ पाती कि अगर बाद में कुछ उन लोग ये प्रोटेस्ट करते, पिक्चर के पहले कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है मेकर्स के लिए. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.